अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है ये बदतदरीज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो लंदन से अब वापस नहीं लौटेंगे, मुमकिन तौर पर चांद रात को वापस आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल ऑपोजिशन के एहतजाज की धमकियां करेंगी। ताहम ईद के बाद फौरन वज़ीर आज़म को किसी अवामी मुज़ाहमत का ख़तरा शायद इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पानामा लीक्स पर अदालती कमीशन का बाब बंद करके इलेक्शन कमीशन अब जा पहुंची हैं, जिससे इंसाफ ना मिलने की सूरत में फिर वो अदालत जाएंगी। यूँ एक ये तवील मरला है। और दूसरी अहम बात यह है कि अपोजिशन के माबैन इतिहाद की, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के मुशीर इत्तला'आत मौला बख्श चांडियो ने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि अकेले उड़ान की बातें करने वाली जमातें अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं, यानी अपोजिशन के दरमियान भी सब कुछ अच्छा नहीं है और जब भी हिजब इख्तलाफ सड़कों पर निकलने की तैयारी करेगी तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि एहतजाज की क़यादत आखिर इमरान खान करेंगे या बिलावल भुट्टो करेंगे, क्योंकि इस एहतजाज से हर अपोजिशन जमात सियासी फ़ायदा उठाकर अगले इंतखाबात में अपनी पोजीशन को यकीनन मजबूत करना चाहती है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैरान हैं और ये कहते हैं कि जिनके अपने सर महल और स्विस अकाउंट्स हैं वो आखिर किस मुँह से एहतसाब की बात करते हैं। मुखालिफिन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज का आलम बुलंद करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी आखिर एक साल से मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे। इस सारी जो सियासी सूरतेहाल मुल्क में इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि नौशकी हमले के बाद पाकिस्तान और अमरीका के वफूद के दरमियान अब ये दूसरी मुलाकात हुई है, जिसमें पाक अमेरिका जो बिगड़ते ताल्लुकात हैं और अफगानिस्तान के साथ तोरखम बॉर्डर तनाज़ा है, इसके नतीजे में जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी इस पर गौर किया गया। अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ऑल्सन और अमेरिकी सैनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के सरबरा जॉन मैकेन वगैरह पर मुश्तमिल इस वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी और मुशीर खारजा सरताज असीज से मुलाकात की और पाकिस्तान के इस मौकफ़ को तस्लीम किया कि पाक अफगान सरहद पर गैर कानूनी आमदोरफ्त को रोक कर ही बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है, जिसकी ज़रूरत है। अमरीकी वफ ने ज़रब अज़ में पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की तारीफ भी की है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान आकर अमरीकी वफूद हमारी तारीफ़ें भी करते हैं और हमारी मजबूरियों को भी समझते हैं, लेकिन जब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए F-16 तैयारे देने का वक्त आता है तो इनकी फ़रोख्त पर फिर कदगन लगा दी जाती है और पाकिस्तान से डूमोर के मुतालबे शुरू कर दिए जाते हैं। तोरखम जैसा कोई तनाज़ा होता है तो अमरीका खामोश तमाशाई बना रहता है। हालांकि पाकिस्तान कई सालों तक अमेरिका से ये मुतालबा करता रहा कि पाक अफगान बॉर्डर को सील करने में मदद की जाए, लेकिन अमेरिका ने बॉर्डर मैनेजमेंट के इन मुतालबों को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया और टाला। जब अफगान अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा होती है तो फिर ड्रोन हमला हो जाता है। इन ड्रोन हमलों पर पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा में आवाज़ भी उठाई है। आखिर पाक अमरीका का मुस्तकबिल क्या है और क्या खत्ते के हालात पाक अमरीका तआवुन के बगैर बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ कराची से हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। चांडियो साहब, आपसे ही मैं शुरू कर लेती हूँ। आपने कल प्रेस ब्रीफिंग दी और आप लोगों ने बाकायदा ईद के बाद तहरीक का ऐलान किया है, साथ ही आपने एक बात की कि अकेले उड़ान भरने वाली वो जो जमातें हैं वो इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, अगर मैं सही समझ रही हूं कि आपका क्या ये इशारा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है कि वो अकेले उड़ान भरना चाहती है। मैं आपसे पहले गुजारिश करूँ, ये एक सवाल का जवाब था जी। सवाल इस किस्म का था, उसी के जवाब यही है। वैसे हम अपोजिशन के साथ हैं, अपोजिशन के साथ चलेंगे। हम सब कह रहे हैं कि अपोजिशन सड़कों पे आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी और हम अलग की बात नहीं करते। हाँ, हमारे अपने कुछ इश्यूज हैं जिन पे हम ईद के फौरन बाद हम भी करना चाहते हैं। एक जिंदा पार्टी है, एक सरगर्म पार्टी है पाकिस्तान में। बिजली का बहरान हमारे पास शदीद है, बिजली की वजह से पानी का बहरान है, गैस का बहरान है, लोग हमारे तड़प रहे हैं और कोई तवज्जो हमारे मसाइल पर नहीं दी जा रही है, तोहीन की जा रही है छोटे सूबों के लोगों को। क्या एक शहबाज शरीफ की हुकूमत ही पाकिस्तान है? क्या वहाँ कुछ भी नहीं गलत होता? हमारे यहाँ हालात तो देखे। मैं आपसे पूछता हूँ,
अगर कोई बिजली का बिल नहीं दे रहा है तो वो एहतमाम करें, वो कोई बंदोबस्त करें, वो कोई पॉलिसी बनाए, जो लोग नहीं दे रहे उनसे लें, हम इसके मुखालिफ नहीं। लेकिन एक चंद लोगों की सजा आप पूरे इलाकों को दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर उतार के जा रहे हैं। हमने कहा है माजरत के कता कलामी की माजरत, पहले एक बात क्लियर कर दें कि जो आपकी जो तहरीक शुरू होगी इसके बाद ये किस पर मबनी होगी, कि ये पानी की तहकीकात के लिए होगी ये तहरीक, या जो आप बिजली के मसाइल कह रहे हैं, मुल्क के जो और मसाइल है उन पर मबनी होगी, ये जरा पहले क्लियर कर दें। आप चीजों को नहीं समझ पा रही, मैं बड़ा आसान कह रहा हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ, इसलिए सवाल कर रही हूँ आपसे। हाजिर 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 में बैठा हूँ आपके लिए। अगर जो आप मैं कह रहा हूँ दोबारा आप सुन लीजिएगा, अपोजिशन जो फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ है, ये मैं कह रहा हूँ। ईद का जो हम जो दूसरे दिन की बात करें, वो अपोजिशन ने मुश्तरक अपोजिशन ने नहीं की, हम कह रहे हैं जब वो करेंगे हम उसके साथ हैं, लेकिन हमारे अपने इश्यूज भी हैं, हम उनके लिए भी सरगर्म हो रहे हैं। ईद के बाद हम देंगे धरना देंगे ये वापडा के लिए, कराची में के इलेक्ट्रिक के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। वो सवाल जो आपका है, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हम अपोजिशन से नहीं भाग रहे हैं, इंशाल्लाह मिलजुल कर पनामा को अपने उसका जो नतीजा है उस तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये धरना कहाँ पर देंगे आप ये भी बता दीजिए। देखिए ये हमारे हेस्को का प्रॉब्लम है, ये के इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये सेपको का प्रोग्राम है, इन तीनों जगहों पर हम जाएंगे एहतजाज करेंगे, हमारे लोगों के साथ जाती है। हेस्को में एक रिटायर आदमी बिठाया गया है, हम उसके लिए भी जाएंगे, जो हमारी कानूनी हमारा हक पहुंचता है वो जरूर हक इस्तेमाल करेंगे। रिटायर आदमी को बिठाने का क्या मकसद है, सिर्फ लोगों को अजाब देने के लिए? सिर्फ आबिद शेर अली साहब जो सिंध के लोगों को छोटे सूबों के लिए तोहीन वाली जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सजा देना चाहते हैं? हम इसके लिए भी जाएंगे, वरना हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वहाँ अगर नवाज शहबाज शरीफ साहब के पास बिजली का मामला हो तो वजी अला उठ के जुलूस निकालते, बगावत थी वफाक के खिलाफ, पंखी झल रहे थे बेटे। अब जब इतनी अजाब हो रहा है तीन सूबों में और हमारे सूबे में, क्या सिंध पाकिस्तान में नहीं? क्या सिंध के लोग पाकिस्तान में नहीं है? क्या पाकिस्तान के वजीर दमियां नवाज शरीफ नहीं है? क्या सिंध पर नून लीग की हुकूमत नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, उन पे नोटिस लेते। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तहरीक है चांडियो साहब की बातों से लग रहा है कि बहुत से मसाइल पर मबनी होगी, बहुत से मसाइल को ये लेकर चलना चाहते हैं, जबकि पीटीआई को अगर देखें तो पीटीआई का जो हमें लग रहा है कि वो पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए सड़कों पर निकलने वाले हैं। अपोजिशन जमातें अगर मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलने का फैसला करती हैं तो अब ये सवाल जहनों में उठता है कि आखिर इस एहतजाज की क्यादत किसके पास होगी, क्या इमरान खान के पास होगी या बिलावल भुट्टो इस एहतजाज की क्यादत करेंगे, ये भी लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। देखिए शरद जी, एक तीसरा धरना, एक तीसरी तहरीक भी तो है, वो ताहिरुल कादरी साहब गालिबन हाँ। जो मॉडल टाउन का कत्ल हुआ था उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो ईरान के बारे में जरा शकों को शुबात रहते हैं कि वो मुल्क में रहते भी है कि नहीं रहते हाँ, लेकिन वो बहरहाल वो करेंगे इसके बाद ऐलान, जो मेरी जहाँ तक इतलात है वो ऐलान करेंगे लाहौर में। लेकिन असल बात जो है वो मैं थोड़ा सा चांडियू साहब से मैं चाहूँगा, एक तो बड़े दिनों के बाद बात हो रही है और ईद की यादें ताज़ा हो रही हैं, इनके साथ एक महफिल हुई थी बड़ी ज़बरदस्त, शेर व शायरी हुई थी, तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा चांडियू साहब जब मिलेंगे तो शेर व शायरी की वैसी ही महफिल सजेगी। चांडियू साहब ने अभी जो फरमाया, मैं थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूज़ इसलिए हुआ हूँ कि ये बिजली के खिलाफ कंपेन करने जा रही है, तो मैं पूछ रही थी कि समझ नहीं आ रही है किसके लिए निकलने जा रहे हैं ये लोग, ये कंफ्यूजन मुझे नहीं। अभी मेरी मैं वही भी कह रहा हूँ, मेरी जो इतलात थी वो ये थी कि शायद करप्शन और पनामा लीक्स के ऊपर पीपल्स पार्टी कोई तहरीक, ये बिजली कहाँ से आ गई बीच में, यानी और बिजली तो यानी करप्शन के ऊपर सिंध में चांडियो साहब अगर मुजाहरा करें तो लुत्फ है ना, यानी सिंध हुकूमत मुजाहरा करे करप्शन के ऊपर, जेआईटीज के ऊपर, ये बाकी मामला पे, ये बिजली कहाँ से बीच में आ गई? बिल्कुल सही चांडियो साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई चांडियो साहब, मैंने भी आपसे यही सवाल किया था, आप डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मैंने भी आपसे यही सवाल किया था मैंने आपको भी गलत नहीं कहा था, वजाहत की थी आपके हुक्म पर भी, अब दोबारा वो बादशाह आदमी है, इनसे हम सब डरते हैं, आपको पता है ना डॉक्टर शाहिद मसूद डराने वाली एक शख्सियत है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बात सीधी कर रहा हूँ, एक मरकजी पार्टी हमारी पाकिस्तान की है, वो अपनी राह अमल तैयार करती है, हिकमत अमली के तहत करती है, वो मरकजी अहकाम होते हैं, हमारी मकामी तंजीमें हैं जो अपने मकामी मसाइल के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। हमने आज हमारी कमेटी का अजलास हुआ है, तंजीमी कमेटी का, हमने कहा है कि ये अजाब की बात आई है, जहाँ तक तल्लुक है पनामा का
करप्शन का, जेआईटीज का, जो आप कह रहे हैं उस पर हम मुत्तफिक हैं। हम मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा हैं। जो वो शेड्यूल देगी इंशाल्लाह ताला उस वक्त के मुताबिक फैसला हम करेंगे। ये अलग पहलू है। मैंने कहा हम तो ईद के बाद भी शुरू हो रहे हैं, वो उससे मैं अलग नहीं हो रहा हूँ। और न कन्फ्यूज आप हों, हम कभी भी दगा नहीं देंगे अपने इत्तेहादियों को या जो भी जमहूरियत के लिए जा रहे हैं, जो जो एहतसाब के लिए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ डॉक्टर साहब, जिस शख्सियत ने जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, सारी सियासत ज़ियाउल्लक के ज़माने से, ज़िया ने भी यही कहा, एहतसाब पीपल्स पार्टी करप्शन, एहतसाब इनकी सारी उम्र मियां साहब ही गुजरी है एहतसाब के लिए। जब अब एहतसाब का वक्त आया है, अब बाज़ाब्ता कोई इदारा बनने लगा। ठीक है चैन साहब, मुझे ब्रेक लेने ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवाल मेरा फिर वही है, यही है कि अगर मुत्तहिद होकर निकलती हैं तमाम ओपोजिशन जमातें तो आखिर एहतजाज की क़यादत किसके पास होगी। एक ब्रेक के बाद ये जवाब मैं लूँगी ज़फ़र हिलाली साहब से एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ज़फ़र हिलाली साहब। ब्रेक से पहले मैं आपके लिए सवाल छोड़ कर गई थी कि अगर ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलती हैं ईद के बाद तो इस एहतजाज की क़यादत किसके पास होगी। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा इसलिए है कि आप प्रिज्यूम कर रही है, और मेरे ख्याल में आप सही प्रिज्यूम कर रही है कि ये फैसला जो होना है शाजिया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा और कोर्ट्स नहीं करेंगे, ये सड़कों पर होगा। ये क्यों होगा सड़कों पे? दो वजह हैं। एक, हमारे पास ये प्रोसीजरल हैंगअप्स इलेक्शन कमीशन के बहुत हैं, बहुत टाइम लगेगा, और कोर्ट्स अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो वो तो और भी लंबा चक्कर होगा, और किसी का मूड नहीं है कि इस मामले को और पीछा ठेल दें। तो मेरे ख्याल में ये फैसला होगा सड़कों पे। अब कौन और क्या है माने कि कौन से पार्टीज़ हैं जो सड़कों पे आएंगे, वो बिल्कुल सही है, वो पीटीआई आएगी, पीपीपी शायद आए और साथ साथ पीएटी आए, मगर सबसे बड़ा जो उसका जीत होगा, जो पार्टी ज़्यादातर इस गवर्नमेंट को नुकसान दे और ख़त्म करें, वो पार्टी अगर इलेक्शंस होंगे तो वो पार्टी को रिवॉर्ड मिलेगा इलेक्शंस में। अब ये पीटीआई और अगर पीपीपी, ये दो पार्टीज हैं जो सबसे बड़े पार्टीज हैं, इनमें कोई इत्तेफाक नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि ये साथ निकलेंगे, ये निकल ही नहीं सकते साथ। एक तो इनमें एक एक में ट्रस्ट नहीं करते, एतबाद नहीं है। दूसरी बात, ये ऐसा खेल है कि सिर्फ एक आदमी जीत सकता है, दो नहीं जीत सकते। और तीसरा वजह यह है कि देखिए, पीटीआई जो है इमरान खान के लिए ये डू और डाई एफर्ट है, ये और उससे कम कुछ नहीं है। अगर ये कामयाब इस वक्त नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में इनके जो पॉलिटिकल फॉर्चून्स हैं वो बहुत गिर जाएंगे। बिल्कुल, और मगर पीपीपी जो है वो रिस्क नहीं करना चाहती, वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि ये सिस्टम खत्म हो जाए, ये सिस्टम वाइंड अप हो जाए और उनका जो अक्सरियत है सिंध में वो खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं, तो आपको लगता है कि इस सारी तहरीक से सिस्टम की भी वाइंड अप होने का खतरा है? वो एब्सोल्युटली शाजिया, आखिर माने कि आप एक गवर्नमेंट को उसके टर्म के पैसे, उसके टर्म के पहले कैसे खत्म कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं जाएगा असेंबली में। तो आप या तो ऐसा हालात क्रिएट करें जो हमारे मुल्क में हुआ है, जब अयूब खान गया था, जब भुट्टो साहब गए थे, कि ऐसी हालत क्रिएट करें कि थर्ड फोर्स आके कहेगा यार इनफ इज इनफ, अब या एक नेशनल गवर्नमेंट बनाओ या हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के तहत। मगर अगर इलेक्शंस के तरफ गए, सिस्टम अगर गया तो फिर सबको नुकसान होगा, मगर अगर इलेक्शंस के तरफ गए तो फिर मैं समझता हूँ कि जो पार्टी सबसे बड़ा हिस्सा इस मूवमेंट में लेगी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सही डॉक्टर साहब, क्या लोग पसंद भी करें? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या वजीर आजम को वतन वापसी पर फौरी तौर पर आप समझते हैं कि एहतजाज का खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो पहले इलेक्शन कमीशन जा चुकी हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अदालत जाने का ऐलान किया, यानी कि लंबा रास्ता है, तवील रास्ता है, तो आप समझते हैं कि इस सारे ड्यूरेशन में वजीर आजम साहब को मामलात पर कुछ गिरफ्त करने का मौका मिल जाएगा? नहीं, देखें, धरनों से पहले ही वजीर आजम साहब को बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये कि जो रियासत के ऊपर गिरफ्त है उनकी, वो कमजोर से कमजोर तर हो गई है। उनकी गैर हाजिरी में उनके जो रुफका हैं
جو کہ بہت تجربہ کار تصور ہوتے تھے، ان کی پرفارمنس، ان کی مینجمنٹ، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ہو، ہر میدان پہ وہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی۔ ایک تو بیماری تھی، اور یہ اوپر سے آپ سمجھیں کہ یہ وائرل یا بیکٹیریل اٹیک ان کے اوپر ہوا ہے، یہ جو سارے ان کے وزراء ہیں چند، انہوں نے کچھ پرفارم، کچھ بھی پرفارم نہیں کیا، جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے، کسی کو وہ اپنی جگہ پاور دینے کے، پاور دینا تو دور کی بات ہے، شیئر کرنے کی بھی میاں صاحب جو ہیں وہ اس بات کے حامی نہیں ہے کہ وہ شیئر بھی کریں کسی کے ساتھ پاور کو۔ اب مسئلہ یہ کہ میاں صاحب نے واپس آنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں خیریت سے رکھے، لیکن پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، پاکستان کو بھی خیریت سے رکھے، یہاں کے 20 کروڑ عوام کو بھی اللہ صحت دے، انہیں بھی خیریت سے رکھے۔ میاں صاحب کو بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بات جو ظفر ہلالی صاحب نے کی نا، میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ حکومت گرے گی تو اس کے نتیجے میں، حکومت گرنے کے نتیجے میں الیکشن ہوں گے فوری طور پہ، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ چانڈیو صاحب کی زیادہ گہری نظر ہے سیاست پہ، الیکشن نہیں ہوگا تو فوری کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے ابھی، تو دیکھیں نا یہ نااہلیت ہوگی 62-63 کے اوپر، 62-63 پہ وہ نااہل ہوں گے تو وہ کہیں گے ساتھ قرضہ، یعنی میاں نواز شریف صاحب حکومت یہ کبھی نہیں کہہ رہی کہ پاناما، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، ان کا کرو، ان کا نہیں، ان کا کرو، ان کا نہیں، ان کا کرو۔ تو یہ کھیل حکومت بھی اپنا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں میں مظاہرے کریں گے، وہ بھی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ الیکشن پھر کیسے ہوگا۔ یا تو یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ سیاسی معاملات کو حل کرتے جو کہ نہیں ہوئے، یا یہ کوئی اور رستہ نکالیں، اگر تھرڈ فورس کو انہوں نے آنے سے روکنا ہے۔ سڑکوں پہ احتجاج جو ہے وہ تو اس وقت، میں صرف ایک بات آپ کو یہاں پہ اور کہوں شازیہ، کیونکہ وہ پھر بعد میرے ذہن سے نہ نکل جائے، اس کو میں بعد میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک جملہ میں آپ کو اور کہوں۔ ابھی ایک اور بہت خوفناک بات ہوئی ہے، یہ جو ڈھاکہ میں آپ کو پتا ہے نا قتل عام ہوا ہے، بہت بڑا ایک سانحہ پیش آیا جو 20 افراد کو قتل، بالکل وہ انہوں نے NDTV جو انڈیا کا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ چلا دی کہ جی پاکستان پہ الزام ڈال دی ہے وہاں کی حکومت نے، بنگلہ دیش، دیکھیں بڑی سیریس، بڑی خوفناک بات ہے یہ تو، انڈیا اور انڈیا کا وتیرہ ہے، بنگلہ دیش میں یہ تو ان کا وتیرہ ہے، جو حسینہ واجد کے جن ایڈوائزر کا نام لیا تھا پروفیسر گوہر رضوی ان کا نام ہے، انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کو باقاعدہ خط لکھا ہے کہ مجھے غلط کوٹ کر رہا ہے NDTV، میں نے پاکستان پہ الزام نہیں ڈالا، اور پاکستان بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ ڈھاکہ میں اچانک کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا ڈیڈلی گیم اس ریجن میں شروع ہو گیا ہے۔ اب اس ڈیڈلی گیم میں اگر پولیٹیکل پارٹیاں عوام و تفہیم کے بجائے سڑکوں میں نکلتی ہیں، چاہے وہ پاناما لیکس ہوں، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ ماڈرن ٹاؤن کا قتل عام ہو، جو بھی رنگ دیں، میرے خیال ہے جمہوریت تو خود کھوکھلا کریں گے، یہ جمہوریت خود کھوکھلی ہوگی، اس کے نتیجے میں خود گرے گی۔ اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میاں صاحب نے کیوں ضد پکڑی، میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ آخری جو میں نے اعتزاز احسن صاحب سے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ جس حد تک ہم جا سکتے تھے ہم گئے، ہم بالکل اس حد تک چلے گئے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کو غالباً یہ حکومت نے یا پتہ نہیں کون سے مشیر ہیں، انہوں نے ڈو اور ڈائی کا معاملہ بنا لیا۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی حل نہیں ہوتا، سڑکوں پر بھی حل نہیں ہوتا، تیسرا آپشن کیا بچتا ہے پھر؟ تیسرا آپشن تو پیپلز پارٹی کا ہی نعرہ ہے، دھما دھم مست کلندر، سڑکوں پہ دھما دھم مست کلندر ہو گئے تو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے۔ چانڈیو صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ دھما دھم مست کلندر سے کیا مراد ہوتی ہے۔ جی جی چانڈیو صاحب، جی چانڈیو صاحب، میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے کچھ باتوں سے متفق ہوں۔ یہ آپ دیکھیں جو رویہ اپنانا چاہیے حکومت کو، حکومت کے وزراء وہ رویہ نہیں اپنا رہے، حکومت کے وزراء کو میاں صاحب کی پریشانیوں کو کم کرنا چاہیے، یہ جو آگ لگ رہی ہے آہستہ آہستہ اس نظام کو، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف ان کو مشورہ دیا ہے، کل وہ جا رہے ہیں آپریشن کروانے، آج جلسہ عام کر رہے ہیں، یہ کوئی رویہ آپ کا تو اچھا نہیں ہے۔ آپ پہ الزام لگا ہے، آپ قوم کے سامنے آ جاتے، پارلیمنٹ کے سامنے آ جاتے، چلے آپ کو بھی معاف ہے، لیکن یہ آپ کے وزراء عمران خان کی تحریک کے دوران اب بھی ایسا کر رہے ہیں، پیٹرول کے ڈبے لیے جا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں اس ملک میں حالات کو، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور آج ان کے چھوٹے بھائی صاحب جن پر ذمہ داری ہے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی، وہ بھی ایک بہت بڑا کنستر لے گئے پیٹرول کا، تقریر کی ہے۔ آپ کے بڑے میاں صاحب آصف علیزاری صاحب کو منتیں کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں کہ بہتر حالات کرنے کے لیے کردار ادا کرو، آپ وہی کام کر رہے ہیں آگ لگانے والی۔ آج جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ پرانے گھسے پٹے ہیں، یہ الزام بہت پرانے ہو چکے سیف الرحمان کے،
इस पे आपके कायद ने माफिया मांगी है, उसको आप भूल जाए, आप माहौल को ठंडा करें। आप भी उसी मिशन की तकमील चाहते हैं जो चौधरी निसार की मिशन है, पीपल्स पार्टी से तसादम करके। आपको क्या मिलेगा, आपकी हुकूमत को क्या मिलेगा? मेरे साई हैं जफर साहब, उन्होंने कहा है क़यादत के लिए, पाकिस्तान में ऐसे कई मौके हैं, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, तजर्बेकार हैं, ऐसे हैं शख्सियात की क़यादत की भी बात नहीं है। बाज़ औक़ात इत्तेहादों ने तहरीक चलाई है, हमारी ये एमआरडी की मूवमेंट देख लें चांडिया साहब, 2014 में जब खान साहब ने धरना दिया था तब आप लोगों ने कहा था हम जमहूरियत को बचाएंगे, आज आप लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, खान साहब भी निकल रहे हैं, आज जमहूरियत को खतरा नहीं है, आज जमहूरियत को नहीं बचाएंगे आप? ऐसा नहीं, हमने तब भी जमहूरियत के बचाने की बात की, आज भी की। तब का नारा खान साहब का आपको याद होगा, मैं अभी खान साहब पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हालात पता नहीं आगे क्या खड़े हो गए, उस जमाने के बातों की, नारों की, कंटेनरों की तकीनों को याद करें, वो फिजा ही नहीं थी कि सारी पार्टी को साथ लेकर चलते। आज उन्होंने ये रवैया वो नहीं अपनाया, लेकिन हम कहते हम जमहूरियत को बचाएंगे, हम किसी भी गैर जमहूरियत पर निकलने से जमहूरियत कैसे बचेगी? तहरीक आप लोग चलाने जा रहे हैं, खान साहब का मकसद है कि पहले मियां साहब ने अपनी दानिशमंदी से पहले भी ऐसा रास्ता अपनाया कि सदर ममलकत भी उनका, वजीर आजम भी खुद, दोनों को साथ जाना पड़ा और कोई मार्शल्ला भी नहीं लगा, इलेक्शन भी हुई, कौमी हुकूमतें भी बनी। ऐसे तजर्बे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर मुल्क मार्शल्ला ही लगेगी। इस मुल्क के अगर जनरल अफवाज पाकिस्तान जो जमहूरियत को कबूल कर चुके गुज़िश्ता पीरियड से लेकर अब तक दोनों हुकूमतों में, फिर आप लोग तहरीक किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं, फिर आप लोगों की तहरीक का क्या मकसद है? मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस। वज़ीर-ए-आला पंजाब हैरान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मुंह से करप्शन के खिलाफ निकलेगी, जबकि उनके खिलाफ खुद करप्शन के इतने ज्यादा उन पर करप्शन स्कैंडल्स हैं, करप्शन के केसेस हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद के बाद खुश आमद। चांडिया साहब, अभी आपने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जरदारी साहब के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि वो जमहूरियत को बचाएं, तो ज़ाहिर है जमहूरियत तो एक ही सूरत में बच सकती है कि आप लोग सड़कों पर ना निकलें, तो जमहूरियत भी बच जाए, तो वज़ीर आज़म भी और उनका खानदान भी बच जाएगा, तो बचाना किसको चाह रहे हैं आप लोग? अभी हुकूमत को की जिम्मेदारी बनती है कि वो जमहूरियत को बचाए, और सूरत हाल भी हुकूमत ही पैसा पैदा कर रही है जिसकी वजह से आपूर्ति सड़कों पे आएगी। मामला इतना ही था कि वज़ीर आज़म अपने बच्चों की सफाई में आने के बजाय पार्लियामेंट में आकर कौम के सामने खड़े होकर हकीकी अंदाज में बयान देते कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, ये इल्ज़ाम मेरे बच्चों पे लगाए, तहकीकात कर लीजिएगा, आप इत्मीनान करें, जो पार्लियामेंट फैसला करें, जो अदालतें करें, मामला ख़त्म होता। दुनिया में ऐसा हुआ, या रिज़ाइन दी गई इस इशू पर, या पार्लियामेंट के सामने आ गए, या पार्लियामेंट से भागते रहे, कौम से भागते रहे, कोई बात नहीं की, अपोजिशन ने सारे बातें इनकी मानी। अगर ये खुद धकील कर अपोजिशन को रास्तों पे लेके जाना चाहते तो आप क्या कर सकते? से बता सकते हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये मिन्नत तरले किसके थ्रू कर रहे हैं? मैंने मिन्नत तरले की लफ्ज आप बड़ा आपने बड़ा मुश्किल सा इस्तेमाल किया है, और अखबारों में, मीडिया में, सारी जगह पे आया है, मैंने नहीं लफ्ज, आप देख लीजिए, मिन्नत तरले मेरा लफ्ज ही नहीं है, ऐसी उर्दू मेरी नहीं, मुझे नहीं आती। मैंने कहा अपीलें कर रहे हैं कि जनाब आसिफ़दारी साहब अपना किरदार अदा करें, और यहाँ उनके वज़रा, उनके दूसरे लीडर जिन्होंने बेड़ा गर्क किया मुशरफ का, जिन्होंने तबाही में हिस्सा लिया मुशरफ के, वो सब के सब उनका लबो लहजा तो देखे वो किस अंदाज से बात कर रहे हैं। हमने तो कहा वो दुश्मन थे, आसीन के सांप थे, लेकिन आज तो शहबाज शरीफ साहब खुद शुरू हो गए कि वही इल्ज़ाम पुराने जो सैफुर्रहमान से लगवाए गए, जिन पर माफ़ी मांगी, पढ़े बढ़ाए साहब की किताब में मियाँ साहब ने कहा है कि मुझसे एजेंसियों ने केस बनाए बेनज़ीर साहबा के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग किस मुंह से सड़कों पर निकलेंगे करप्शन के खिलाफ, आप लोगों पर तो खुद इतने ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, सारे मेल देख लें, स्विस अकाउंट्स देख लें, आप लोग लोगों को कैसे निकालेंगे बाहर? ठीक है, ठीक है, खैर वो जब टाइम आएगा आप देख लेंगे पीपल्स पार्टी कैसे लोग निकालती है, लेकिन यही केसेस, यही स्विस केसेस आप ले गए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए सैफुर्रहमान को बार बार स्विट्जरलैंड, नतीजा क्या निकला आप मुझे समझाएं? ये तो आप भी किस्सा खोलने को तैयार हैं, ये लोग आप भी किस्सा पनामा लीक्स का किस्सा बंद कर दें, वो स्विस अकाउंट्स का किस्सा बंद कर देंगे।
नहीं, पनामा नहीं छोड़ेगा, पनामा नहीं छोड़ेगा, पनामा अपने नतीजे तक पहुंचेगा। पनामा ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, ये अभी दुनिया से अलग नहीं है मुमताज, इनका वो तरीकेकार ही नहीं है, इनका गैर सियासी तरीकेकार है, गैर जमहूरी तरीकेकार है। देखिए मैंने आपको पहले से कहा था कि ये साहब जो हैं ये सिस्टम को बचाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था आपको कि जरदारी साहब कभी नहीं चाहेंगे कि इस सिस्टम फोल्ड अप हुए, बिकॉज इस सिस्टम में उनका मजा है। और क्या मजा है, जबरदस्त मजा है। और इनको ये दो भाई जो हैं पंजाब में, उनको तो और भी मजा आ रहा है इस सिस्टम का। तो ये सिस्टम को ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे इस डेमोक्रेसी नहीं, इस क्लेप्टोक्रेसी को बचाने के लिए। तो अगर आवाम चाहती है तो हो जाएगा, ये सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा, बच जाएगा, इस किस्म की डेमोक्रेसी बच जाएगा। मगर अगर सड़कों पे वाकई लोग आ जाएं और वाकई उस जज्बा और जोश के साथ आए जो पीटीआई कह रही है, जो 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 ये कादरी साहब कह रहे हैं, तो फिर मैंने कहा है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा। और जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा, मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी जाए, मगर कुछ देर के लिए डेमोक्रेसी को जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इनके बंदों के साथ, इनके नुमाइंदे के साथ एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं और उस नेशनल गवर्नमेंट को कुछ एक वक्त दें, अकाउंटेबिलिटी करें और इलेक्शंस सीधा करें। भाई ये देखिए, इस सिस्टम हैज फेल्ड, आई एम सॉरी टू से यार, मैं तो इस सिस्टम पे अगर नहीं होता, सिस्टम कभी फेल नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं चलते, सिस्टम लोग चलाते हैं, सिस्टम चलाने वाले लोग फेल होते हैं, सिस्टम कभी फेल नहीं होता। इलाली साहब आप मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग फेल हो गए ना, लोग फेल हो गए, सिस्टम फेल नहीं होता, चलिए सिस्टम हवा में नहीं बनता। इलाली साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, सुन तो ले, आप मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं मानता हूं, आप जरा सुन ले, मैं नहीं जानता, आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका छोटा भाइयों की तरह है, मैं आपको जानता हूँ। हकायक क्या है, हकायक है कि माहौल बन जाएगा, लोग निकल आएंगे। पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटी, पीपल्स पार्टी वायदा करके कभी दगा नहीं किया, पीपल्स पार्टी आज भी सड़कों की जमायत है, आज भी अपोजिशन की जमायत है, आज भी उसके लोग हैं, आप देख लेंगे पंजाब में भी। लाली साहब पीपल्स पार्टी के भुट्टो के चाहने वाले पंजाब में मर नहीं गए, पंजाब में तो नजर आते ही नहीं। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, डॉक्टर साहब की सुन ले बात, आने वाले दिनों में आप देख लेंगे, देख लेंगे डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ ये बात कहूंगा कि या तो इत्तेसाब बिल्कुल नहीं होगा किसी का भी, और अगर होगा तो अक्रॉस द बोर्ड होगा और सबका होगा, सबका, चाहे वो किसी जमात के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के हो, चाहे वो किसी भी जमात के हो, एक दफा अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब जरूरी है अगर आपने रियासत को बचाना है। जो पॉइंट पीपल्स पार्टी जो चांडू साहब मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारा तो एहतसाब होता रहा है, यही नुक्ता मुस्लिम लीग नून भी उठा रही है कि हमारा भी एहतसाब होता रहा है मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने भी हमारी चटापटा कर ली, वो भी वही बात है। उनका भी यही है, कहने से नहीं होगा, नुकता उनका भी यही है। मैं पब्लिक ये चाह रही है कि एक दफा सबका एहतसाब हो, कर्जा माफी करवाई जिन्होंने उनका भी हो, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कराई उनका भी हो, जिन्होंने पनामा लीक सबका हो। डॉक्टर साहब उनके कहने से नहीं होगा, इन मुकद्दस लोगों का तो पहली बार नाम आया है, एहतसाब के साथ जिलजिला बपा हो गया है, न कोर्ट में जाते हैं, वजीर हमारे ने कहा हमारे सदर साहब बाहर बैठे, बाबा ये तो सिटिंग वजीर आजम है, ये कहाँ चले गए, ये क्यों वहां बैठ गए, ये तो इलाज कराने के वापस आ गए, आपके चेयरमैन साहब क्यों एक साल से बाहर बैठे हैं? मुझे हैरत है, आप तजिया करने बैठे या आप भी मेरे साथ जरह करने पर है, तो मैं हाजिर हूँ आपके। देखिए वो भाग कर नहीं गए, वो जब चाहेंगे आ जाएंगे, मैंने लफ्ज डाल रहे, मैंने भागने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने क्यों बाहर गए? अभी अब लड़ाई अच्छी नहीं है, मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, सुनाए। वो गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं, जब चाहेंगे, उनके अबाव आजाद का वतन है, वो आ जाएंगे। वजीर आजम बनकर गजिश्ता इतने अरसे से जाकर बैठ गए, वो जुर्म नहीं है, एक वो सियासी शख्सियत है, वो इलाज के लिए आप गए, जानते हैं वो इलाज के लिए गए, आप लोग भी दुआएं मांग रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब
खैरियत से सेहत मंद होकर वापस आए, तो वो ईद से पहले वापस आ रहे हैं, सुने चांद रात को वापस आ रहे हैं। हम कभी हमने कभी भी अपने दुश्मनों के लिए भी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी, हमने कभी ऐसी नहीं। हम तो कहते हैं कि भाई दुश्मनों के मरने की बात नहीं करनी चाहिए, सज्जन को भी चला जाना पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं आपकी बातों को तजिया जब आप करने लगे हैं, जो रियायत औरों को दे वो जरा पीपल्स पार्टी को भी दे तो ये अच्छा होगा मेरा ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चांडिया साहब आपका। नाज़रीन प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जफर हिलाली साहब। अमरीकी वफ्द पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान का दूसरा दौरा कर चुका, कल भी अमरीकी वफ्द ने सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकातें की। रिचर्ड ऑल्सन ने 21 जून को अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब तक रोशन नजर नहीं आता जब तक पाकिस्तान अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। कभी अमरीका हमारा मुस्तकबिल मशरूत करता है अफगान तालिबान के साथ कार्रवाई से, तो कभी F-16 तैयारों की डील को मशरूत किया जाता है हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से, तो पाकिस्तान बयक वक्त इतने महाज कैसे खोल सकता है? हम ज़रबे अज़्म में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े हैं, तो ये डू मोर का मुतालबा क्या हमारे हौसलों को पस्त नहीं करेगा? देखिए शाजिया, बात ये नहीं है कि हम कितने फ्रंट्स खोल सकते हैं, लोग भी तो फ्रंट्स खोल रहे हैं, तो जब अगर वो फ्रंट खोलते हैं तो हमें खड़ा होना पड़ता है ना, कुछ जवाब तो देना पड़ता है, ये तो नहीं है कि हम चुप रह जाएं। मिसाल के तौर पे अब ये ओबामा इज़ द बैड कॉप और मकेन साहब इज़ द गुड कॉप, अब ये खेल हो गया है, दो दफ़े तो बैड कॉप आया है ना ओबामा का ओल्सन के थ्रू, अब आ गए गुड कॉप मिस्टर मकेन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मकेन साहब आने के साथ कहते हैं कि भाई ये ओबामा का कसूर है, ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, हमें खुश कर रहे हैं। आने के साथ कहते हैं कि फिनोमिनल आपकी जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ फिनोमिनल, हम और भी खुश हो जाते हैं। मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी लड़ाई इतनी अच्छी थी तो आपको क्या ज़रूरत था और आपके रिपब्लिकन कॉलीग्स को क्या ज़रूरत था कि कांग्रेस में जाके F-16 रोक दें, इसलिए कि हम फिनोमिनली लड़ रहे हैं तो हमारा उसको खत्म करना है, कम वो तो उन्होंने मशरूत किया ना अफगानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से, ये तो सब जानते हैं ना, F-16 तैयारी क्यों नहीं दी? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग ऑन हक्कानी नेटवर्क। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि हमें बॉर्डर कंट्रोल हमारे होने चाहिए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तुम हमें क्यों नहीं, हमें क्यों कह रहे हो? तुम्हारी कठपुतली रिजीम काबुल में बैठी हुई है, वो हमारे लोगों को बहादुर जवानों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं ऑन द बॉर्डर, उनको कहो कि ऐसी चीज ना करें। गनी तो ग्रीन कार्ड होल्डर है, कारजाई तो एक रेस्टोरेंट ओनर है कैलिफोर्निया में, उसको तो कुछ करें कि हमारे खिलाफ इतना क्यों कहता है अगर तुम समझते हो कि ये बॉर्डर कंट्रोल्स होना चाहिए। पैसे दो रेफ्यूजी रिपैट्रिएशन के लिए, आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं? कुछ आप भी ले लें ना, जितने हमारे पास रेफ्यूजीज हैं उनको ले जाएं इंग्लैंड अमरीका उधर रखें। कहने की बात यह है कि ये जो आके ये कहते हैं कि आपने फिनोमिनल हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं, मगर वर्ड्स एंड एक्शंस आर डिफरेंट। क्यों उन्होंने हिंदुस्तान को दावत दी थी कि आओ तुम्हारे कॉन्सुलेट्स खोलो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, साथ जासूसी शुरू करो? क्यों उन्होंने हिंदुस्तान को इजाजत दे रहे हैं बल्कि उनके साथ मिल के डिस्टेबलाइज कर रहे हैं बलोचिस्तान सीपेक रोकने के लिए? भाई ये आप किस किस्म का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? आप इंडिया को ला रहे हैं, आप कहते हैं कि इंडिया के फोर्सेस आना चाहिए, इंडिया को एक हाथ होना चाहिए सेटलमेंट ऑफ अफगानिस्तान, अब आप मुझे बताएं। और फिर हमें कह रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन को बढ़ा रहे हैं और हमें कह रहे हैं तुम हमारा जो दुश्मन है ना, वो जो तुम्हारे खिलाफ एक्शन करता है उसको खत्म करो। ये दे मैड, मैं कह रहा हूं ये इनका कोई पॉलिसी नहीं है, ये ओबामा और ये भी दे आर डिजास्ट्रस। तो हमें अभी देखना है, इसका मतलब नहीं है हम इमोशनल होके उनके साथ लड़े जाएं, उनके साथ गोली चलाने लग जाएं, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, वो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, मगर फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि इनके साथ ठीक तरीके से रहें। डॉक्टर साहब, 3 हफ्ते में अमरीकी वफ़ का दूसरा दौरा, मामला किस नहज तक पहुँच चुके हैं पाक अमरीका ताल्लुकात?
नहीं ठीक है, मेरा ख्याल से ये तो अच्छा दौरा गया है। जॉन मैकेन साहब जो हैं वो उन्होंने बात देखें पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में बात कम की और ओबामा को ज्यादा कोसा है, क्योंकि वो आप याद करें ना ये जॉन मैकेन जो हैं ये ओबामा के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और आपको याद है इनका सबसे पॉपुलर नारा उस वक्त एक गाना बना था बॉम्ब ईरान बॉम्ब, ईरान पे बॉम्ब करो बॉम्बिंग करो, यानी ये तो उन्होंने चूंकि वो एक दूसरी पार्टी के इसलिए उन्होंने ओबामा को फेलियर करा दिया ओबामा की पॉलिसी को, और ओबामा जाहिर है लेम डक है इस वक्त। अब देखना ये है, मैं मेरी ख्वाहिश थी कि जॉन मैकेन साहब जरा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें, जो उनके कैंडिडेट आ रहे हैं वो उनके क्या ख्याल आते हैं और वो क्या ख्याल रखते हैं पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के बारे में, वो कितना बड़ा डिजास्टर होगा। देखिए बात ये है कि हमें डिप्लोमेटिकली इंगेज रखना है पूरी दुनिया को, हमने आइसोलेशन में नहीं जाना। ये जो मैंने भी आपसे बात की ना बांग्लादेश की, देखिए ना बांग्लादेश के एक वाक्य को एकदम से इंडिया का शुक्र है उनकी हुकूमत ने बात नहीं की, उनके एक मीडिया आउटलेट चलाता है खबर, उसके बाद वहां से वही आदमी जिसे कोट कर रहा है वो वहां से कह रहा है नहीं मैंने पाकिस्तान के बारे में, आपके खिलाफ पूरे रीजन में पूरे इलाके में आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन की तरफ ले जाया जा रहा है और आप खुद जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदार आपके हुक्मरान है मौजूदा हुक्मरान। तो मेरा यह ख्याल है कि देखें कि हमें हम खला में तो रहते नहीं है, बाकी हक्कानी नेटवर्क ये ओबामा का पड़पोता भी आ जाएगा आज से कोई 50 साल बाद, वो भी हक्कानी नेटवर्क की जान को रो रहा होगा, तो वो तो एक मंत्रा बना हुआ है उनका हक्कानी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क, वो तो लगे रहेंगे। आपने अपना काम करना है डिप्लोमेटिकली दुनिया को बताना है अपने अंदर जो आपके टेररिज्म और कलदम जमातें और ये इकोनॉमिक टेररिज्म कराची में घुस बैठी और सारे ये भत्ताखोर और टारगेट के, इनको आपने साफ करना है। फाटा का ऑपरेशन आपका अल्लाह का शुक्र है ठीक गया, बलूचिस्तान में आप ठीक जा रहे हैं, हम लोग माशाल्लाह सही जा रहे हैं। ये मैं वही बात है सारी, ये चोर उचक्के 200-250 जो हमारे सरों में बैठे हैं इनको एक दफा साफ करें। आप यकीन करें मैं हल्फिया बात कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर्स में इन हुक्मरानों का रोल है। जब हम आइसोलेशन में जाते हैं दुनिया में तो ये खुश होते हैं कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, इनका ये होता है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना प्रेशर आएगा उतनी हमारी और वहां पे पग ऊंची होगी वॉशिंगटन में या लंदन में या किसी अरब मुल्क में। ये पाकिस्तान को आगे जाता देख के खुश नहीं होते इन, ये अपनी जो वहां पे बेचते हैं ना अपना चूरन, वो यही बेचते हैं कि हमें खिदमत का मौका दो या शेख हमें खिदमत का मौका दो और मिस्टर फलाना फलाना हमें खिदमत का, ये चूरन बेचते हैं और उसी वक्त बेचते हैं जब पाकिस्तान पे दबाव होता है। मेरा ये ख्याल है कि इनसे जब जान छूटेगी पूरी अशराफिया से करंट जो एलीट है उसके बाद पाकिस्तान खुद ब खुद इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकलेगा इंशाल्लाह और आगे बढ़ के चाहे वो इंडिया हो अफगानिस्तान हो अमेरिका हो चाइना हो रीजन को वो मुतमईन कर सकेगा और उनको मुतमईन होना पड़ेगा। देखिए चौधरी से इलाके का कोई नहीं है, ना हम चौधरी हैं ना इंडिया चौधरी है, ना वो अशरफ गनी और हामिद करजई जो पपेट्स बैठे हैं ना वो चौधरी हैं, ना अमेरिका इस दुनिया का चौधरी रह गया एनीमोर। अब ये दुनिया जो है ना ये सबने मिलकर चलानी है और सबकी सबने बात सुननी है, एक किसी की बादशाहत अब इस दुनिया में नहीं चलेगी, ये बात बिल्कुल तय है और ये अमेरिकन को भी समझ आ गई है और बाकी दुनिया को भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुलाकात में जफर हिलाली साहब बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात की गई, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है परवेज मुशर्रफ के दौर से अफगान बॉर्डर को सील करने का मुतालबा कर रहा है, इससे पहले अमरीका ने कभी हमारी ये बात नहीं मानी लेकिन अब अमरीका ने पाकिस्तान के मौकफ की तायद की है कि पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होनी चाहिए, तो क्या अब ये बात करना क्या अमेरिका के अपने मफाद में है? ये तो वो अमेरिका इसलिए कर रहा है शाजिया कि वो हमें खुश करना चाहता है। देखिए आपको समझना चाहिए कि बगैर अमेरिकन एड ना इनका फौज चल सकता है, ना इनका बिजली का बिल वो दे सकेंगे, ना इनको पानी मिलेगा। अफगानिस्तान इज ब्रोक डेड ब्रोक, इट इज सर्वाइविंग ऑन यूनाइटेड स्टेट्स हैंडआउट्स। अब इन लोगों को अमेरिका को कहना नहीं, फिर भी हम देखिए कह नहीं सकते कुछ इसलिए कि उनको बॉर्डर कंट्रोल्स अच्छा नहीं लगता है, एब्सोल्यूट लाई, बिल्कुल झूठ। ये कर सकते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनको क्या नहीं कर सकते हैं? और करा भी है इन्होंने। ये जो गनी आया है क्या ये सीधे इलेक्शन से आया है, क्या कारजाई फेयर इलेक्शन से ठहरता था? ये सब इनके जो हैं पपिट्स हैं। अब हमारे साथ जो उनका तरीका है वो ये है कि हमें दबाव में रखो। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहें डूमो डूमो, वो पहले दबाव था हक्कानी हक्कानी, वो अब दबाव था। भाई अगर आप हम लोगों को चाहते हैं कि हम आपकी तरफ देखें और एक्सेप्ट करें आपके सजेशंस या कम से कम उसको कंसिडर करें, तो आप फिर हमें वो चीज़ें दें जो आपका, मैं तो समझता हूँ अभी फ़र्ज़ बन रहा है।
आप पैसे दें हमें रेफ्यूजीज के लिए, आप यूएनएचसीआर को फंड करें और कहें कि ये जो 2.5 लाख, जॉन मैकेन गए शुमाली वजीरिस्तान, मीरान शाह, क्या अशरफ गनी जॉन मैकेन को अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में इस तरह लेके घूम सकता है? क्या अशर, क्या वहां पर ऑपरेशन अमेरिकन का कामयाब, क्या अमेरिकन ट्रूप्स खुद वहां पे अलाइज के साथ जॉन मैकेन को लेके तमाम अफगानिस्तान में जा सकते हैं सुकून के साथ, जिस तरह आज जॉन मैकेन उस शुमाली वजीरिस्तान में गया है जहां 3-4 साल पहले तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वहां पर क्या हालात थे? इनको सीखना चाहिए पाकिस्तान से, ट्रेनिंग ले। मैं तो मशवरा देता हूँ अमेरिकन आके सीखे पाकिस्तान से कि ऑपरेशन होता कैसे, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में हासिल कर लिए दहशतगर्दों को खत्म करके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब जफर हिला, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। नाज़रीन प्रोग्राम के बारे में आप हमें फीडबैक देते रहिए। प्रोग्राम नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।